हे गाइस, गुड इवनिंग, कैसे आप सभी लोग एंड वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। और ये वीडियो होने वाली है बहुत मज़ेदार, जिसमें है ना हम करेंगे यूके के साथ प्रैंक, क्योंकि है ना मोसा और बाकी सब है ना घूमने आ रखे थे पार्क में वॉकिंग करने के लिए। तो यूके ना वॉकिंग नहीं कर रहा, उसने फ़ोन लेके मौसी से वहाँ बैठ गया गेम खेलने के लिए, तो उसको पता नहीं है हम आ रखे हैं, तो इसलिए मैं आराम से बोल रहा हूँ। वो बैठा गेम खेल रहा है वहाँ, वो दिख रहा है ना आपको। और मैंने है ना इसलिए ये अपना कैप और ये कंबल ओढ़ लिया ताकि उसको पता ना चले मैं हूँ उसके साइड में। तो फिर है ना इसमें मेरे साथ शामिल है मेरे मौसा, तो फिर है ना अभी चलते हैं उसके साथ प्रैंक करते हैं आगे का, आप अपने आप देखो। तो गाइस अभी मैं तैयार हो चुका हूँ और चलता हूँ उसके पास। A few moments later. तो गाइज अभी मैं ना यहाँ छुप गया हूँ आगे कोने में, तो अरे ना उनको देखने लग रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, और जो कैमरा मैन था वीडियो बना रहा है अच्छी तरह साइड में छुप के ताकि दिखे ना। और अभी युगी के साथ लेनी देनी हो रखी है, मौसा मौसी उसको अच्छी तरह सुनाएंगे अभी, तो अभी जा रखे देखने के लिए, मैं तो मिलूंगा ही नहीं, तो अभी देखो आप आगे क्या होते हैं। ये कौन है बे? खुद ही पूछ लो। कमाल कर दिया यार, ये प्रैंक करा रहा है।
तो गाइस चलो एक मौसी को सीक्रेट बात बताते हैं जो आपको पता ही थी सबसे पहले में, तो फिर रहना भी बताते हैं। मौसी मौसी पता है क्या बात थी? क्या थी? कि मौसा मेरे साथ शामिल थी इसमें। और जब तो वो सही नहीं मारे और मेरा जी निकल के पड़े, मेरा तो फोन गया। अरे सुनो मैं शामिल था, मैं सारे फोन में बढ़ा रहा है, वीडियो गेम खेल रहा है, जो थोड़ा सबक सिखाना था इसको। मैंने इसलिए आदि को कहा था, मैं अभी आई एक बार फोन में घुस रहा है, हम राउंड लगाने लग रहे हैं, राउंड लगा रहा, इतना तोंद काट रहा, कितना हो रहा, मोटा क्यों करेगा, मारूंगा। तो गाइस अभी आपने प्रैंक तो देख लिया होगा, तो फिर आपको इससे क्या सबक मिला? कुछ तो मिला ही होगा इससे कि भाई फोन नहीं चलाना चाहिए हर जगह पे आगे, क्योंकि आजकल स्नैचिंग बहुत ज्यादा हो रही है और बहुत से केसेस भी मिल रहे हैं इन चीजों के बारे में, कि किसी का फोन छीन लिया, कोई बैठा है उसका फोन छीन लिया। तो मेरे मौसा है ना पुलिस में है, वो ऐसे बहुत केसेस हैंडल करते हैं और उनको बहुत मतलब ऐसे कॉल्स भी आती कि मेरा फोन चोरी हो गया, ट्रेसिंग पे लगवा दो। तो अब इसके बारे में मेरे मौसा बताएंगे कैसे क्या होता है और कैसे कितने क्या फोन चोरी हो जाते हैं, स्नैच हो जाते हैं। तो गाइस अभी हम घर आ चुके हैं वहां से, क्योंकि अंधेरा हो गया था और प्रैंक तो हमने कर दिया बहुत मस्त मौसी के और युगी के साथ, युगी तो और प्रैंक में पीटता भाई। और ये मौसा, मौसा हमारे दिल्ली पुलिस में है, तभी हमको बताएंगे। हेलो दोस्तों, ये स्नैचिंग के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। स्नैचिंग की जो वारदात है दिल्ली की सड़कों पर आम बात है, लोगों के फ़ोन स्नैच होते हैं, चैन स्नैचिंग होती है, गोल्ड चैन या कोई भी वो ही, और उसके पर्स वगैरह जो है, हैंडबैग वगैरह, वो भी अपने लेडीज हो गए स्नैच हो जाते हैं। तो इनसे बचने के लिए कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, दो चार पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। जब भी आप अपना फ़ोन यूज़ करो अवेयर होकर यूज़ करो, थोड़ा केयरलेस होकर यूज़ मत करो, क्योंकि ऐसे जो क्रिमिनल होते हैं वो देखते हैं कि मेरा सॉफ्ट टारगेट कौन है, सबसे ईजी टारगेट कौन है, वो उस पर अटैक करेंगे आपको। जब आप अपना फ़ोन यूज़ करो तो इसको थोड़ा अवेयर होके यूज़ कीजिए, ऐसे केयरलेस होके आप कान पे लगा के ऐसे फ़ोन रोड साइड जा रहे हो ऐसे मत जाइए। अगर आपका फ़ोन आपको यूज़ नहीं करना है तो उसको पॉकेट में डालिए, हाथ में मत रखिए। ये स्टैंडर्ड सा हो गया है, एक लोग फैशन समझते हैं इसको कि अपने फ़ोन को हाथ में ही रखेंगे, शो ऑफ हो गया, दिखाएंगे हम फ़ोन को, नहीं। सबसे बड़ी बात यह है, अगर आप फ़ोन यूज़ नहीं कर रहे हो तो उसको अपने पॉकेट में रखिए। अगर फ़ोन यूज़ करना है, कोई कॉल अटेंड करनी है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा अवेयर होके ऐसे रोड पर चलते चलते फ़ोन मत यूज़ कीजिए। अगर रोड जैसे पेमेंट पे चल रहे हैं तो राइट हैंड में आपको नहीं रखना, क्योंकि कोई भी स्नैचर बाइक पे आएगा आपके फ़ोन को लेके उड़ा के चला जाए, अपने लेफ्ट हैंड में रखिए, फ़ोन को यूज़ कीजिए। दूसरा जो लेडीज़ों के लिए मैं बताना चाहूँगा, जो साइड बैग वगैरह लेके चलते हैं उसको ऐसे हाथ में लटका के मत चलिए आप, उसको या तो क्रॉस ऐसे टांग लीजिए उसको, ताकि वो उनके लिए ईजी टारगेट ना रहे। चैन स्नैचिंग का ऐसा है, चैन स्नैचिंग गर्मियों में ज़्यादा होती है, जैसे पार्क वगैरह में घूमने जाती हैं महिलाएँ जब, तो उसमें क्या होता है उनको अलग से दिखती है वो गोल गले की, जो आपने टी शर्ट वगैरह डाल रखी है उनको पीछे से गर्दन से दिखाई देगी कि इन्होंने गोल्ड वगैरह पहन रखा है, तो वो उसको लेके चले जाएंगे। तो उसमें या तो अपनी कॉलर वगैरह की कोई टी शर्ट पहनिए आप, या फिर कोई चुन्नी वगैरह डाल के उसको थोड़ा सा बाहर आए तो थोड़ा उसको ढक के रखिए आप। बाकी बस कुछ ज़्यादा वो नहीं है, थोड़े दो चार पॉइंट है, तो आप अपने ऐसी बात से बच सकते हो। तो गाइज आपने सुन लिया होगा मौसा ने क्या कहा, और इस पर है ना थोड़ा सा ध्यान देना, नहीं तो ऐसे स्नैच बहुत ज्यादा होते हैं फोन वगैरह। तो फिर मैं इस वीडियो का रन भी खत्म। हाँ एक बात हो, सबसे बड़ी बात तो ये कि आज जो प्रैंक था वो बच्चे के हाथ में फोन था, तो बच्चे को अपना इस्तेमाल करने के लिए फोन मत दीजिए, वो भी क्योंकि वो भी इजी टारगेट है, वो तो सबसे इजी टारगेट है योगी जैसा। सो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पे सब्सक्राइब करना। सो गुड नाइट एंड बाय।